नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। शारदा सहायक खंड 32 में पानी न आने की शिकायत लेकर जनपद के किसान लोकतांत्रिक जनता समिति के बैनर तले जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से हुई बातचीत में संगठन के अध्यक्ष राजद नेता ने कहा कि नहर में पानी न आने से किसान परेशान हैं और उनकी खेती किसानी प्रभावित हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि 70% किसान अपने खेतों में गेहूं की बुवाई 5 से 15 नवंबर के मध्य कर चुके हैं। इसके लिए खेतों को सिंचाई की आवश्यकता है, लेकिन अब तक सिंचाई विभाग द्वारा पानी ने न छोड़ा जाना अच्छी में लापरवाही को दर्शाता है। शीघ्र ही उक्त नहर में पानी न छोड़ा गया तो किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर किसानों को समय से पानी नहीं मिलता है तो समित मुखर होकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। क्या कुछ कहा राजनीत यादव ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खासतौर से आजमगढ़ जिले में, 70% किसानों की खेती जो है नहरों के सहारे होती है, और जिसमें शारदा सहायक खंड 32 सहित दर्जनों नहरें हमारे आजमगढ़ जिले से होकर के गाजीपुर तक जाती हैं, सुल्तानपुर से होकर के आती हैं। शारदा सहायक खंड 32 में प्रमुख नहर है। इसमें सर नवंबर महीने में सिल्ट सफाई होती है। नवंबर महीने के बाद सिल्ट सफाई के बाद 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक नहरों में पानी आ जाना चाहिए था। चूँकि गेहूं की फसल जो होती है 21 दिन में उसकी सिंचाई होना अनिवार्य होता है, अगर 21 दिन के अंदर में अगर सिंचाई नहीं होती है तो गेहूं की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। आज 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक 75% किसान अपनी गेहूं की बुआई कर चुके हैं, लेकिन आज 26 दिसंबर 2020 तक आजमगढ़ सहित पूर्वांचल की किसी नहर में पानी ना होने के कारण किसानों की पूरी फसलें बर्बाद हो गई। 80% गेहूं की फसलें सूख गई। आज हम लोग जिलाधिकारी के सामने, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जो हमारे किसानों को पानी नहीं दे पाए, हमारी फसलें बर्बाद की, सरकार कहती है कि हम किसानों के आय को दूना करेंगे और जो है कि हमारे फसलों की सिंचाई ना करके बर्बाद कर दिए। आज हमारी फसलें बर्बाद होने से किसानों की आमदनी जीरो से भी माइनस जीरो में जा रही है। हम ये चाहते हैं सर कि जितनी भी शारदा सहायक खंड 32 सहित आजमगढ़ जनपद से लेकर जितनी भी नहरें गुजरी हुई हैं, सब नहरों में अविलंब तुरंत 3 दिन के अंदर में पानी छोड़ा जाए, और अगर ये हमारी जो फसलें बर्बाद हुई हैं 15 दिसंबर से लेकर के 5-10 दिसंबर के बाद जो लेट किए हैं शारदा सहायक खंड 32 के अधिकारी लोग पानी छोड़ने में, फसलें बर्बाद हुई है, अविलंब जितने भी नहर विभाग के अधिकारी हैं उनको तत्काल बर्खास्त करते हुए और सिंचाई मंत्री को तुरंत नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, और हमारे किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई है इस पर मैं सरकार से और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि उनको तत्काल उनको मुआवजा दिया। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रोहुआ मुस्तफाबाद गांव में दबंग जमीन पर कब्जा कर रहे थे। इसकी जानकारी के भूस्वामी को जब हुई, वे मौके पर जाकर दबंगों को रोकने का प्रयास किया। यही बात जमीन पर कब्जा करार दबंगों को नागवार गुजरी और उन्होंने बुजुर्ग महिला को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। इसकी शिकायत लेकर पीड़ित जब गंभीरपुर थाने पर पहुंची तो एसओ ने कार्रवाई से इनकार कर दिया। कई बार थाने का चक्कर काटने के बाद भी कार्रवाई न होने पर निराश बुजुर्ग दंपत ने एसपी कार्यालय पहुंच एक शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। मीडिया से हुई बातचीत में बुजुर्ग महिला सूर्या देवी ने बताया कि गांव के कुछ लोग काफी मनबट दबंग किस्म के हैं, वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। हमने जब इसका विरोध किया तो दो लोगों ने मुझे मारा पीटा और भगा दिया। थाने पर शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई ना होने से हम लोग एसपी साहब से गुहार लगाने आए। क्या कुछ कहा सूर्या देवी ने, सुनवाते हैं। मिला में उसका तरफ घर है, हमारा ये तरफ घर है। हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा था, मैं बोलने गया, लगा हमको मारने। कौन मारने लगा, नाम बताइए उनका। ओ सी विशु, ये मारने लगा बिकू राय। थाने पर गए थे तो बोले जाओ जाओ एसओ साहब, हटाओ 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 भगाओ भगाओ। आजमगढ़ में भारत विकास परिषद शाखा द्वारा आयोजित गोष्ठी में जिले के मंगलम मैरिज हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन करते हुए सचिव बद्री प्रसाद गुप्त, एडवोकेट और परिषद के अन्य पदाधिकारियों द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी व पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया गया। अध्यक्ष रमाकांत वर्मा के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान भारत विकास परिषद शाखा, वीरांगना शाखा, आदर्श शाखा, एलीट शाखा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और साथ ही में सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया और पुरस्कार वितरण का भी कार्य किया गया।
इस अवसर पर बद्री प्रसाद गुप्त ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने काफी संघर्ष करते हुए प्रधानमंत्री बने और उनका जो सपना था उन्होंने साकार किया और जो भी उनके अधूरे सपने हैं वह अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर भारत विकास परिषद शाखा के अध्यक्ष रमाकांत वर्मा, सचिव बद्री प्रसाद गुप्त, कोषाध्यक्ष उमेश सिंह, महिला संयोजिका पूनम सिंह, अलका राय, छाया अग्रवाल, आशा वर्मा, किरण अग्रवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। विकास परिषद मुख्यतः अपनी भारतीय संस्कृति और जो हमारे रीति रिवाज हैं, तीज त्यौहार हैं, उनको इस जनमानस में अच्छी तरह पुनः स्थापित करने के लिए कृतसंकल्पित है। आज जो विदेशी संस्कृति और विदेशों से आ रही हैं वो हमारे समाज को बिगाड़ रही हैं। हमें उसके लिए प्रयासरत रहते हुए हम ये कार्य कर रहे हैं कि जो हमारी महापुरुषों की जयंतियां हैं और जो हमारे आराध्य देव हैं उनके प्रति हमारी आने वाली संतानें, हमारा जो समाज है वो जागरूक हो और उसके अंदर ये भावना जगे कि हम अपने देश के प्रति समर्पित होकर देश सेवा का कार्य करते हुए अपनी संस्कृति को बचाए रखें। इसके लिए भारत विकास परिषद विभिन्न प्रकार के आयोजन करता रहता है, उन्हीं में से आज का एक ये आयोजन महापुरुष जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम तो मुख्यतः मालवीय जी, अटल जी के व्यक्तित्व पे आधार करके एक चिंतन है और उसके साथ ही साथ अन्य कार्यक्रम भी जुड़े गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो मुझे मेरी समझ में है और जो भारत विकास परिषद के मूल में है वो ये है कि हम सबको जागृत करना चाहते हैं अपने देश के महापुरुषों के प्रति, अपने देश की जो संस्कृति है उसकी महानता को सब लोग जानें और किसी भी अपसंस्कृति से प्रभावित होकर के अपनी संस्कृति को न भूलें। ये उसकी मुख्य हमारे अंदर ये जो भावना उत्पन्न होनी चाहिए इसके लिए जो प्रयास है। आजमगढ़ के मार्टिनगंज तहसील मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑपरेशन कैंप का आयोजन था जिसमें अव्यवस्था के बीच ऑपरेशन महिलाओं का देर शाम तक किया गया। महिलाओं के सोने के खाट की जगह जमीन पर सुलाया गया, देर रात तक उनके घरों में भेजा गया। तहसील मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए दिन अव्यवस्था का आलम रहता है। शुक्रवार को नसबंदी कैंप का आयोजन किया गया था जहाँ सुबह से ही बगैर खाए पिए मरीजों के साथ उनके परिजन भी समय से आ गए थे, लेकिन ऑपरेशन टीम लगभग 4 बजे के बाद आई। 60 महिलाओं का ऑपरेशन होना था। रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत ऑपरेशन 5 बजे शुरू किया गया जो लगभग 7 बजे तक चलता रहा। शाम और उनको अस्पताल में सोने के लिए व्यवस्था नहीं थी, जमीन पर लेटकर किसी तरह महिलाएं कराहती रही। महिलाएं उनको रात्रि में आने जाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, किसी तरह अपनी व्यवस्था से घर पहुँच रही थी। परिजनों में काफ़ी आक्रोश था, उनका कहना था कि अव्यवस्था के साथ ठंड में ऑपरेशन किया जा रहा है। वो भी समय से नहीं किया जा रहा है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव मिश्रा से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन बात नहीं हो सकी। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र विश्वकर्मा से बात नहीं हो सकी। शाम 7 बजे कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर उपस्थित नहीं था जबकि महिलाएं और परिजन परेशान थे। आजमगढ़ जिले में यूं तो परिषदीय विद्यालयों में स्पर्धा के चलते शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, तो एक कंपोजिट विद्यालय सरायमीर ने एक अलग छाप छोड़ी है। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास हो या फिर मोहल्ला क्लास, सबसे शासन के आदेश से पहले अग्रणी भूमिका निभाई है। इस विद्यालय में व्यवस्था के हिसाब से प्रवेश पूरा हो चुका है, यह जिले में तीसरी बार सफलता है। वाराणसी में शुक्रवार शनिवार 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा संगोष्ठी कार्यशाला में यह विद्यालय छाया रहा। इस सफलता में अभिमन्यु के साथ प्रिया राव, भवानी सिंह, रश्मि मौर्य आदि का सराहनीय योगदान रहा। क्या कुछ कहा शिक्षिका प्रिया राय ने आपको सुनवाते हैं। घोर अभाव के बावजूद प्राथमिक विद्यालय सरायमीर द्वितीय की शिक्षण व्यवस्था से प्रभावित होकर के क्षेत्रीय जनता ने अपने बच्चों का नाम कॉन्वेंट विद्यालय से कटवा करके प्राथमिक विद्यालय सरायमीर द्वितीय में करवाया। गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के कारण छात्रों का नामांकन निरंतर बढ़ता रहा। बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हमें नो एडमिशन का बोर्ड लगाना पड़ा। क्षेत्रीय जनता का इस विश्वास के लिए प्राथमिक विद्यालय सरायमीर द्वितीय हृदय से आभार प्रकट करता है और वादा करता है कि आपके बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय सरायमीर द्वितीय निरंतर प्रयासरत रहेगा। मुंबई से खबर है जहां महाराष्ट्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक विदेश से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पर 7 दिन और 14 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले पर मुख्यमंत्री ने फिर से विचार करने का निवेदन पत्र लिखकर किया है।
इस बारे में कहते हुए अबू आसिम आजमी ने कहा कि विदेशी पैसेंजर अगर गोवा, अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली एयरपोर्ट आकर वहां से फ्लाइट, ट्रेन या बाय रोड मुंबई आए तो उसके लिए कोई क्वारंटाइन नहीं। यदि एक व्यक्ति दूसरे देश से मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे तो उसे 14 दिन अपने खर्चे पर उसे क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर वही व्यक्ति मुंबई एयरपोर्ट ना उतर के दूसरे एयरपोर्ट पर उतरेगा, उतर के मुंबई आया है तो वह फ्री है, उसी की उसकी कोई जांच नहीं। जबकि यह एहतियात कोरोना के नए उत्परिवर्ती विषाणु ना फैल पाए इसलिए किया जा रहा है। यदि आप सोचते हैं कि क्वारंटाइन करने से कोरोना की रोकथाम होगी तो यह कैसे मुमकिन है? तथा उन्होंने गल्फ देशों से जो मजदूर छुट्टी पर आ रहे हैं उनके बारे में बताते हुए कहा कि गल्फ देशों से ज्यादातर काम करने वाले मजदूर छुट्टी में अपने देश वापस आ रहे हैं और जो एक एक रुपया जमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उन्हें भी अपने पैसों से क्वारंटाइन होना है। यदि वो मुंबई ना आकर अहमदाबाद या बेंगलोर या दूसरे किसी एयरपोर्ट पर आकर मुंबई फ्लाइट या ट्रेन से आए तब भी उनका ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। मैं समझता हूँ कि उन लोगों के साथ आप ये बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। और क्या कुछ का सुनवाते हैं। महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने तय किया है कि कोई भी महाराष्ट्र में आएगा तो एयरपोर्ट पे उसको 7 दिन और 14 दिन का क्वारंटाइन होना पड़ेगा और क्वारंटाइन उस आदमी को अपने पैसे से उसका पूरा का पूरा होटल का बिल देना होगा। मैं समझता हूँ कि उद्धव जी ने महाराष्ट्र में कोरोना बीमारी फैलने ना पाए और अभी जो इंग्लैंड में मिला है उसकी वजह से और ज़्यादा प्रिकॉशन लिया, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए अगर आप मुंबई में उतरे आप तो आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा और आप मुझे मुंबई जाना है लेकिन मुंबई जाने के बजाय मैं अगर चला जाऊँ मैंगलोर, बेंगलोर, अहमदाबाद, गोवा किसी एयरपोर्ट पर नज़दीक एयरपोर्ट पर जा उतरूँ और वहाँ से कोई फ्लाइट पकड़ूँ लोकल डोमेस्टिक और फिर मुंबई आऊँ तो मुझे क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, ये कौन सा तरीका है? तो हर चीज़ सोच विचार के होना चाहिए। एक आदमी लंदन से आया और उसे मुंबई जाना है और मुंबई में कोरोना उसकी वजह से मुंबई में कोरोना फैल सकता है इसलिए प्रिकॉशन दिया जा रहा है, लेकिन वो आदमी मुंबई आने के बजाय किसी और एयरपोर्ट पर आकर के डोमेस्टिक फ्लाइट से मुंबई आ जाए या बाई रोड आ जाए या बाई ट्रेन आ जाए तो उसे क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में रहने वाले हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे नौकरी करते हैं, बहुत कम तनख्वाह मिलती है उनको और उनको अपने घर जाना है, अब उनको महाराष्ट्र आना है, अब अगर मुंबई उतरेंगे तो 7 दिन या 14 दिन जो सरकार ने तय किया है उससे उनके पैसे से उनको वहाँ रहना पड़ेगा, लेकिन वो अगर और कहीं जाएंगे तो उनको और एक और टिकट खरीदना पड़ेगा दूसरे एयरपोर्ट का। तो ये इस एक पब्लिक पे भार है और मुझे लगता है कि इसमें कहीं से भी कोरोना की रोकथाम नहीं हो पा रही है। मैं आदरणीय उद्धव जी से कहना चाहता हूँ कि ज़रा इस पे एक बार और विचार कीजिए। ज़बरदस्ती पब्लिक के ऊपर अगर कुछ बोझ पड़ रहा है, एक ऐसा माहौल बन रहा है, डर का माहौल बन रहा है और उससे मुझे लगता नहीं कि कहीं भी कोरोना की रोकथाम हो रही है, तो उस पर सरकार को कुछ ना कुछ पुनर्विचार करना चाहिए। ये मेरी सरकार से दरख्वास्त है। नवंबर माह का वेतन ना मिलने से नाराज संविदा पर तैनात विद्युत कर्मियों ने आशीधारी स्थित हर्डल में कार्य बहिष्कार कर विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि नवंबर माह का वेतन ना मिलने की शिकायत हमने कई बार की लेकिन अब तक वेतन नहीं मिला, जिससे थक हार कर हम लोगों का आज कार्य बहिष्कार कर धरनारत हैं। अगर 2 जनवरी तक वेतन नहीं आता है तो हम लोग इससे भी बृहद आंदोलन करने को बाध्य होंगे। क्या कुछ कहा क्षेत्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। कर्मियों का वेतन जो है नवंबर का वेतन अब तक नहीं मिला है, आज 26 तारीख हो गया है। इसके पहले मैं नोटिस दिया था, 19 तारीख को भी नोटिस दिया था, उससे पहले भी 11 तारीख को नोटिस दिया था। आश्वासन मैंने दिया था कि मतलब नहीं मिलती है तो आश्वासन अधिकारी दिए थे कि हाँ सैलरी दिला दी जाएगी, लेकिन कोई कार्रवाई हुआ नहीं, अब तक सैलरी नहीं मिली है, जिसके वजह से मजबूर होकर के जो है हम लोग को कार्य बहिष्कार करके यहाँ पे जो है ये धरना करना पड़ा। आज जो है कि अभी आश्वासन आलोक दुबे जो कंपनी के उड़ीन कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं श्री आलोक दुबे ने आश्वासन दिया है कि बुधवार यानी 30 तारीख से सैलरी आनी शुरू हो जाएगी तो 30-31 तक सबकी आ जाएगी। तो मैं एक को भी मौका दे रहा हूँ, 1 तारीख को जो है कि 1 जनवरी है इसलिए मैं किसी को छेड़ना नहीं चाहता हूँ, तो 2 तारीख को जो है बृहद कार्य बहिष्कार होगा। यदि सैलरी नहीं आती है तो ईट सीट बजा दिया जाएगा। आप पूरे जिले में जो है कि सप्लाई यदि गड़बड़ होती है उसके ओरियन कंपनी और प्रबंध तंत्र होगा। इंकलाब जिंदा।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो यह अंग्राई है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ पुलिस ने लूट व चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के जहां सदस्य को गिरफ्तार किया है तो वही उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार एवं लूट से संबंधित वाहन बरामद करने में सफलता हासिल कर ली है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन व अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा के आदेश निर्देश पर पुलिस क्षेत्राधिकारी वैभव कुमार पांडे के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ अभियान में नगर कोतवाली पुलिस जुटी थी। तभी पुलिस को मुखबिर से विकास समय में फाइनेंस कर्मी के साथ लूट एवं एक ओवरब्रिज के नीचे से बाइक चोरी के अपराधियों के क्षेत्र में होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने स्वाट एवं सर्विलांस टीम के साथ टीम का गठन करते हुए नगर कोतवाली क्षेत्र के मोदी नगर रोड स्थित जिला अस्पताल के पास से 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली, जिसके बाद पुलिस ने उनके कब्जे से जहां भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किया तो वही लूट व चोरी संबंधित वाहन भी बरामद किया। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने यह खुलासा किया है। आपको बता दें कि इसके लिए उन्होंने पुलिस टीम को 15,000 रुपये इनाम देने की घोषणा भी की है। टीम ये एसओजी जो पिलखुआ को देखती है, जिसमें एसआई नीरज कुमार तथा हापुड़ नगर की टीम ने एक बहुत ही बढ़िया खुलासा किया है। पिछले माह नवंबर में एक कलेक्शन एजेंट से लगभग 1,00,000 रुपये की लूट हुई थी। एक संगठित गिरोह है, 5 सदस्यीय गिरोह है ये, जिसका लीडर मोनू है जो कि मेरठ का रहने वाला है। बहुत ही कुख्यात अपराधी है। लगभग उसके ऊपर 18-20 मुकदमे दर्ज हैं, संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। इनका गिरोह था, इस गिरोह ने रेकी करके इस कलेक्शन एजेंट से 1,00,000 रुपये लूटे थे। उसके बाद मोटरसाइकिल चोरी की थी और मोबाइल फोन भी इसने छीना था। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत थे इसमें हापुड़ देहात थाने में और हापुड़ नगर थाने में, उसका खुलासा हुआ। साथ ही साथ ये जो मोनू अपराधी है ये मेरठ के विभिन्न मुकदमों में वांछित भी चल रहा है और उसकी बहुत ही तगड़ी दुश्मनी चल रही है मेरठ के गिरोहों के साथ, जिसमें ये मर्डर करने की फिराक में था उस गिरोह के कुछ सदस्यों की। तो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ, जिसमें मैं पूरी टीम को, थाने की टीम एज वेल एज जो हमारी पिलखुआ की एसओजी टीम है, पिलखुआ सर्किल की एसओजी टीम है, दोनों को 15,000 रुपये की इनाम की घोषणा। सर क्या क्या बरामद हुआ? इनके 38,000 रुपये जो लूट का माल है वो बरामद हुआ है, मोटरसाइकिल बरामद हुई है, मोबाइल फोन बरामद हुआ है, साथ ही साथ अवैध हथियार इनके साथ पास से बरामद हुआ है।